हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं अनुराधा पोडवाल जी। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैं कह रहा था, आपके भजनों से रोज लोग अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, और मीनाक्षी भी है हमारे साथ। अनुराधा जी की जानकारी के लिए बता दूं, दर्शक तो हमारे जानते ही हैं कि जो हमारी साथी हैं मीनाक्षी, ये भी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत मीठे कंठ से इनको भगवान ने नवाजा है। तो मैं अब आप दोनों के बीच नहीं आऊंगा, मैं मीनाक्षी के पास जाता हूं। पहले मीनाक्षी राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। आज के दिन की शुरुआत मीनाक्षी आप करें, और फिर आप ही इस चर्चा को आगे लेके जाइए अनुराधा जी के पास। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रद्रव सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अनुराधा जी, इस वक्त अयोध्या के कण कण में राम सिया राम जय राम के जयकारे हैं, और इस वक्त आपके भजनों से, क्योंकि जब मैं अयोध्या की गलियों में घूमती हूँ तो जगह जगह आप ही के भजन चलते हुए सुनाई देते हैं, तो क्यों ना आपके मधुर कंठ से ही सरस्वती का जो आशीर्वाद आपको मिला है उससे राम का गुणगान हो जाए। जरूर, सबसे पहले मैं उन सबको मेरा प्रणाम है, और बहुत ही खुशी का दिन है आज। ये जिसके लिए हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने योगदान दिया है, और 500 साल से हमें इस दिन का इंतजार आज आया है। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए गाऊंगी। वस्तु अमौलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो आयो जी मेरी राम रतन। जन्म जन्म की पूरी पाई, जग में सभी आयु जी मेरी राम रतन धन आयु। बहुत ही सुंदर अनुराधा जी, ये राम भजन आपके जरिए करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, और आज के दिन आपके मुंह से, आपके कंठ से ये राम भजन सुनना भी बहुत अच्छा लगा। जैसा आपने कहा कि बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज, लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि आज का दिन वो देख पाएंगे अपने जीवन में। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है, बहुत जल्द लौटेंगे। अनुराधा पोडवाल जी हमारे साथ हैं, मीनाक्षी आपको लगातार बता रही हैं कि अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है। चलिए, हम इस वक्त ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अनुराधा जी, मुझे ये बताइएगा कि ये सवाल मैं आज हर मेहमान से पूछने जा रहा हूं जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है, आपने अपने जीवन में सोचा था कि आप देख पाएंगी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होते हुए, भूमि पूजन होते हुए, और एक दिन एक भव्य राम मंदिर बनेगा? आपने कभी सोचा था कि आप खुद इसके दर्शन करेंगी? देखिए, हर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, और मुझे याद है कई साल पहले जब मैं थी यहाँ पर, और पहली बार मैंने भगवान राम के दर्शन उस टेंट में किया था, उसी दिन से मेरे मन में था, भगवान जी जब आप इससे बाहर निकल के आप अपने स्वस्थान पे विराजमान होंगे तो मैं आपके दर्शन के लिए जरूर आऊंगी और आपके सामने आऊंगी। तो भगवान जी ने वो कृपा की है, और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ। अनुराधा जी, आपने इतने भजन गाए हैं, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि एक आपका, आपके दिल के सबसे नजदीक भगवान राम को अगर आप कोई भजन समर्पित करना चाहें तो वो क्या होगा? चलिए, उनके लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अनुराधा जी से हम दोबारा बात करेंगे। ये तस्वीर एक बार फिर आपको हम दिखाए चलते हैं, वो फावड़ा और करनी जिसका इस्तेमाल भूमि पूजन में होने जा रहा है, और दूसरी ओर भगवान राम की आज की तस्वीर, वो मंदिर की तस्वीर है ये, इस वक्त जहां पर स्थापित है भगवान राम, रामलला के रूप में, बाल रूप में स्थापित है।